अभी तो झांकी है, अभी संपूर्ण देश बाकी है। हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। यात्रा में नेशन मिरर की टीम शामिल हो चुकी है। जी हां, मैं हूं आदित्य मिश्रा और मेरे सहयोगी इस वक्त कैमरा पर्सन है गौरव। हम दोनों इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और आप ये देख सकते हैं सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का पोस्टर लगा हुआ है, जो कि बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। राम नाम का महत्व न जाने वह अज्ञानी अभाग है, जिसके दिल में राम बसे हैं वह परम सौभाग्य है। परम पूज्य जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, इनके पीछे पीछे उनका भी काफिला आ रहा है और ये भक्त जा रहे हैं। आइए हम भक्तों से भी जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिज किशोर शर्मा है। हम दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा। अभी हम जो है कि बागेश्वर धाम से ओछर तक जाएंगे अपने गुरु के साथ में। अच्छा। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम निकल गए हैं, तो हमें पूरी जिंदगी भी बितानी पड़े, हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और भी हिंदू भाई बहनों को क्या मैसेज दोगे? हम अपने सभी हिंदू भाइयों को यही कहेंगे कि हमारे साथ आओ और हम एक बने। हिंदू राष्ट्र की जय, इसे जय श्री राम। और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे। तो बात करेंगे कि क्या नाम है? अमित। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। इस यात्रा को लेकर अब ये कहेंगे, जो अब जग गया तो जग गया, वरना जगने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, चलिए ठीक। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। पटना बिहार। क्या नाम है आपका? प्रमोद मेहता। कहाँ से आए हैं? पटना बिहार। कैसी लग रही यात्रा आपको? बहुत अच्छी। हम लोग शुरू से ओरछा धाम तक जाऊंगा। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हाँ। सब में हिंदू हिंदू भाई भाई करूंगा, सबको छतरी बांध दूंगा। अल्पसंख्यक समाज को उल्टा पुल्टा बोलता है, उस सबको हम लोग छतरी बांध कर रखे रहेंगे। जय जय श्री राम। और भी कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात है। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? धनंजय कुमार सिंह, पटना बिहार से आए हैं। कैसी लग रही यात्रा? कितने किलोमीटर की यात्रा? हम लोग 160 किलोमीटर यात्रा में हैं, 160 किलोमीटर की यात्रा में हैं, और हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए हम लोग निकले हैं। अभी तो झांकी है, अभी संपूर्ण देश बाकी है, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो कि भारत हिंदू राष्ट्र बन हो जाइए। कुछ इमरजेंसी मामला आ चुका है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एम्बुलेंस में। हम अपनी बातों को कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी, बताएं जी, आप ये माला भी जप रहे हैं यात्रा के दौरान? हाँ, माला जप रहे हैं। माला भाला दोनों जरूरी है। अच्छा। और हम लोगों के गुरुदेव बोले हैं कि विचारों से हम लोगों को भारत के हिंदुओं को जगाना है, जगा करके विचार से ही और हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हम लोग, ये तो अभी चिंगारी है, अभी संपूर्ण देश में ही बाकी है, संपूर्ण देश में आग लगा देंगे। जिस तरह से तो आपने देखा कि जिस तरीके से पूरा मन में उत्साह लेकर भक्त लोग जो हैं इस वक्त यात्रा में शामिल हैं, और लाखों तादाद में भाई बहन भी शामिल हैं। ये 20 किलोमीटर दूर आगे नौगांव में यात्रा रुकेगी।